गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर द बलून मैन. बलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. बलून मैन जो है, जिसको अब पोएट ने देखा है. पोएट कौन है? रॉस फाइलमैन. तो रोज फाइलमैन जो है वो एक बैलून मैन को देखता है. वो मार्केट में खड़ा होता है. ही ऑलवेज मतलब हमेशा, वह हमेशा खड़ा होता है मार्केट में. एंड होल्ड बलून्स, होल्ड मतलब पकड़े होता है. क्या पकड़े होते हैं? बहुत सारे बलून्स, गुब्बारे. अ लवली बंच, बंच मतलब गुच्छा, प्यारा सा गुच्छा बलून्स का. गुच्छा जो होता है कीज का भी हो सकता है, फ्लावर्स का भी बंच हो सकता है. तो इस तरह से ये बलून्स का बंच है, ये बलून. एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज. और मार्केट में कैसे खड़ा होता है? मार्केट में कोने पर, किनारे पर. स्क्वेयर मीन्स किनारे पर एक खड़ा होता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और सारा दिन बच्चों के पास बैलून बैठता रहता है. कभी बेचारा अपने लंच की भी परवाह नहीं करता. लंच करते हो ना आप लोग, तो बेचारा इसकी भी परवाह नहीं करता, मेरा लंच टाइम हो गया. वो मार्केट में रेगुलर खड़ा रहता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. एंड वेन इट इज़ अ सनी डे, द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे. तो अब बलून्स कैसे होते हैं? दे आर रेड. रेड मीन्स लाल रंग का है. देखिए ये रेड बलून है. पर्पल है, इसी तरह से ब्लू है. तो पर्पल, ब्लू, ग्रीन. एंड वेन इट इज़ अ सनी डे. सनी डे कहते हैं जब बहुत ही धूप होती है, तब वो तब भी खड़ा रहता है बेचारा धूप में भी. द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, लोग जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ जा रही होती हैं, उनके बीच में वो बेचारा खड़ा रहता है. यू सी देम शाइनिंग फार अवे, आप उसको दूर से बेचारे को धूप में खड़ा हुआ देख सकते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइट टुगेदर विद अ स्ट्रिंग. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. अब देखिए अब क्या कह रहा है वो. अब साइज में भी सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सम आर बिग, बिग मतलब कुछ बड़े बड़े होते हैं. एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे छोटे बैलून होते हैं. एंड ऑल टाइड टुगेदर विद द स्ट्रिंग, और सब टाइड मतलब बंधे होते हैं. बंधे होते हैं किससे? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा. ये जो धागे लटक रहे हैं ना, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. तो इससे वो बंधे हुए हैं ताकि उसको पकड़ सकते हैं. देखो उसने हैंड में पकड़ा हुआ ना उसे. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और कभी हवा चलती है, दे टग एंड टग, तो वो सारे एक दूसरे में बंध जाते हैं, उलझ से जाते हैं. लाइक एनीथिंग, जैसे कोई चीज उलझ जाती है, ऊन के धागे उलझते हैं, ऐसे बैलून के धागे उलझ से जाते हैं. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई. अब वो आगे क्या कहता है? अब उसकी इमेजिन करता है कि काश, परहैप्स मतलब होता है शायद, शायद कभी ऐसे हो जाए कि वो इनको छोड़ देगा. बैलून मैन जो है इन सारे बैलून्स को, अपने सारे बैलून्स को एक साथ छोड़ देगा. एंड वी शैल सी देम सीलिंग हाई, और तब अगर वो बैलून्स को छोड़ देता है तो सारे बैलून्स क्या होंगे? ऊपर हाई मतलब ऊंचा जाएंगे, और उसको देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम उन्हें नीचे से, बिलो मतलब नीचे, नीचे से हम उनको ऊपर जाते हुए, आसमान की तरफ जाते हुए देखते रहेंगे. दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, और तो वो आसमान में उड़ते हुए कितने प्रेटी लगेंगे. प्रेटी मतलब खूबसूरत लगेंगे. छोटा बच्चा है तो बच्चों जैसी कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो कितना मजा आएगा. सम न्यू वर्ड्स आर बंच, बंच मीन्स गुच्छा. स्क्वेयर किनारे पर. सनी यानी बहुत धूप वाला दिन. टग यानी बंधा हुआ.